लोकसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही रफाल का मुद्दा सरकार की परेशानी बढ़ाता जा रहा है। सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे पर बहस जारी है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तो इसे अपना हथियार ही बना लिया है, जिसे वो बीजेपी पर लगातार वार कर रही है। आज भी कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर देश को खतरे में डालने का आरोप लगाया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने रफाल से जुड़ी बैंक गारंटी को माफ करवा दिया और मध्यस्थता के प्रावधान को बदल दिया, जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। सियासी गलियारों में रफाल उड़ाकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार तीखे हमले कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने पहले फ्रांस से समझौते की आड़ ली और अब मामले की कोर्ट में होने का हवाला दे रही है, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस के हमले तेज होते जा रहे हैं। आज कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि मोदी ने अफसरों, रक्षा मंत्री और रक्षा खरीद परिषद की राय के खिलाफ जाकर लड़ाकू विमानों के बेंचमार्क प्राइस को बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री ने रफाल से जुड़ी बैंक गारंटी को माफ करवा दिया और मध्यस्थता के प्रावधान को बदल दिया, जो कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। सुरजेवाला ने कहा कि देश के चौकीदार ने चोर दरवाजे से रफाल का दाम कैसे बदला, ये सबके सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रफाल का बेंचमार्क प्राइस 39,422 करोड़ से बढ़ाकर 62,166 करोड़ रुपए कर दिया। रक्षा मंत्री ने इस बढ़ी कीमत को मानने से इनकार कर दिया। रक्षा मंत्री समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इसे मानने से मना कर दिया। इन सब बातों के बावजूद प्रधानमंत्री ने बढ़े हुए प्राइस की मंजूरी दे दी। इन आरोपों के साथ सुरजेवाला ने जेपीसी की मांग भी उठाई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर प्रधानमंत्री ने किसे फायदा पहुंचाने का काम किया। आपको बता दें कि रफाल डील को लेकर कांग्रेस लगातार जेपीसी की मांग कर रही है। यहां तक कि बजट सत्र के दौरान भी कांग्रेस ने इसे लेकर संसद में मोर्चा खोला था। अब शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से शुरू होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस फिर से रफाल को लेकर संसद में मोदी सरकार को घेर सकती है। अब देखना होगा कि सरकार इससे बचने का क्या तोड़ निकालती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।